हेलो बच्चों, तैयारी कर ली होगी। एग्जाम आ चुका है और फटाफट फास्ट रिवीजन करके जाइए एग्जाम देने के लिए। उसके लिए ये वीडियो आपके लिए है, पूरे नोट्स का फास्ट रिवीजन कुछ मिनट में। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, अ केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नॉन एज प्रोडक्ट। सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एज गिवन बिलो। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इंटू व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड देन वी ऑब्जर्व दैट लेड सेकेंड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म। रिएक्शन याद रखना। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस एंड देन वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नंबर वन, चेंज इन स्टेट। सेकेंड, चेंज इन कलर। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। ये कोई भी रिएक्शन होता है तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको अपीयर होगा। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर रेस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूले। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। नंबर वन, द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म ऑफ देयर सिंबल्स और मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द इक्वेशन। सेकेंड, अ प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल और मॉलिकुलर फॉर्मूले ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। नंबर फोर, अ प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर फाइव, द बिटवीन इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एज एरो साइन इज इंसर्टेड टू शो विच वे द रिएक्शन इज अकरिंग। जैसे ए प्लस बी एरो यानी गिव्स टू सी प्लस डी। इन दिस सिंबोलिक इक्वेशन ए एंड बी आर रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट। द एरो इंडिकेट दैट द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड बाई वन और द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। नंबर वन, द इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए नेट फॉरवर्ड रिएक्शन द सिंबल एरो इज यूज। फॉरवर्ड एरो। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इन द बैकवर्ड रिएक्शन बैक एरो इज यूज। In order to describe the reactions that occurs in both forward and backward direction, the reversible arrow is used. इस तरह reversible use किया जाता है। In order to describe a state of chemical equilibrium, the symbol reversible sign is used. Multiple entities on the other side of the reactant symbols described above are separated from each other with the help of plus symbol in chemical equation. It can be noted that forward arrow symbol when used in a chemical equation is often read as the gives rise or the yield.
रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग एंटिटीज। दीज सिंबल्स मे बी वन और फॉलोइंग। द सिंबल या सिंबल्स डिस्क्राइब इन एंटिटीज इन द सॉलिड स्टेट। एस लगाएंगे किसी के साथ तो वो सॉलिड होगा, एल लगाएंगे लिक्विड होगा, जी लगाएंगे गैस होगा, और ए क्यू यानी एक्वस तो वो पानी मिला हुआ होगा विद वाटर। इन सम रिएक्शंस ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इन विच इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन दैट इज द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द ये डाउनवर्ड एरो। सिंबल इज रिटन नेक्स्ट टू द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दीज एंटिटीज टू डिस्क्राइब देम एज प्रेसिपिटेट। रिप्रेजेंटिंग द इनपुट और एनर्जी इन द केमिकल इक्वेशन। द ग्रीक लेटर डेल्टा इन दिस कैपिटलाइज्ड इज यूज्ड टू स्टेट दैट द इनपुट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू द रिएक्शन। An example for which is represented below. The reaction between hydrogen gas and oxygen gas to form water. So 2H2 plus O2 gives to 2S2. So left side mein reactant hai, right mein H2O product hai. The reacting entities are written on the left hand side. Two molecules of the hydrogen and one molecule of oxygen. Whereas the product are written on the right hand side, two molecule of water is formed of the chemical equation. Equation 1 divided into two both sides and we get H2 plus half O2 gives to H2O. Is tarah bhi likh sakte hain. The reacting entities are written on the left hand side, one molecule of hydrogen एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यह मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता, बल्कि ये हाफ मोल कहिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम हाफ मॉलिक्यूल को हाफ लिखते हैं या 3 लिखते हैं या 3/2 लिखते हैं, इट मीन्स इतना मोल है इसमें। क्लास 9th में मोल पढ़ा होगा। It can also the observe that there are coefficient assigned to each of the symbols of the corresponding reactant and product. इसलिए coefficient इसलिए लगाते हैं left side और right side atoms की संख्या equal हो जाए, balance हो जाए equation. These coefficients of entities in the chemical equations are in the exact value of the stoichiometric number for that entities. Stoichiometric means जो कोफिशियंट लगाए हैं वो लेफ्ट और राइट साइड एटम्स की संख्या को बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो जो नंबर्स कोफिशियंट लगाए हैं इसको बोलते हैं लगाने को स्टोकियोमेट्रिक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। The total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. जो भी balance chemical equation होगी वो law of conservation of mass को follow करेगी, क्योंकि जितना mass reactant का होगा उतना ही total product का mass भी होगा। Example, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब Mg और O2 ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट MgO दे रहा है। बैलेंस करेंगे इसको कि लेफ्ट साइड में O2 दो है, राइट साइड में 1 है, तो MgO की जगह इसमें 2 का कोफिशियंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2MgO हो गया। इधर Mg 1 है तो फिर 2 का मल्टीप्लाई Mg में कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरा है जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसे कैसे बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो
ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेफ्ट साइड जिंक वन है, राइट साइड वन है, SO4 यहाँ एक है और यहाँ भी एक है SO4 राइट साइड, और H2 निकल रही है, तो इसमें अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3 ले लीजिए, Fe वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, Fe2O4 बन रहा है, H2 निकल रहा है, तो बैलेंस करेंगे इसको, लेफ्ट साइड में Fe1 है और 3 Fe राइट साइड में है, तो सबसे पहले इधर 3 Fe का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 Fe हो गया, और H2 अभी बैलेंस है, अब H2 दोनों तरफ 1 है, 2 2 है, तो फिर क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन इधर राइट साइड में 4 है, इधर 1 है, तो H2O में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह फॉरवर्ड करते हुए आगे चलेंगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। बाद में हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहां H2 इधर 4H2 हो गया, 8 हो गया, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में H2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशियंट, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। लिस्ट सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन, कुछ केमिकल इक्वेशन की हम आपको दे रहे हैं, जैसे PCl5 प्लस H2O गिव्स S3PO4 प्लस HCl, SNO2 प्लस H2 गिव्स टू H2O प्लस SN, टाइटेनिक क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स टू टाइटेनिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एंड HCl, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनको याद रखना है, एग्जाम में आ जाती है लिखने को, बैलेंस करने को। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो कई टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू प्रोडक्ट, तो इसके एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O गिव्स टू CaOH ट्वाइस, एक्वस बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, वाटर बन निकला, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, CO2 बनो, CO2 गैस बनी, तो इस तरह के रिएक्शन आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है तो वो डिकम्पोजिशन हो गया। अब डिकम्पोजिशन भी कई तरह से होता है, हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से, तो हीट से होने वाला है वो थर्मो डिकम्पोजिशन बोलेंगे उसको, जैसे एग्जाम्पल है 2FeSO4 गिव्स Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का है, थर्मो डिकम्पोजिशन है ये, CaO प्लस CO2 देगा, और फोटो डिकम्पोजिशन जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हीट का लेड नाइट्रेट भी ये थर्मो डिकम्पोजिशन है, AgBr फोटो डिकम्पोजिशन है, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होता है, वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जैसे आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से अलग करेगा तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो गया, ऐसे ही जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयन गेट्स एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट
विच फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें दो आयन या तो एक्सचेंज हो जाएं या दोनों एक दूसरे को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर दें, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल है Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब देखो ये इसमें भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन में भी आता है, क्योंकि अगर दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगा। एक ये भी हो सकता है नंबर वन का, और ये भी क्वेश्चन है, एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl गिव्स टू AgCl प्लस KLO3। तो जो AgCl है ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ जाता है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिसमें रिएक्शन में हीट निकले वो एक्सोथर्मिक होता है। एग्जाम्पल, CH4 प्लस O2, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। C6H12O6, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो CO2 प्लस 6H2O बना, एनर्जी निकली। तो ये हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट की जरूरत पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो एंडोथर्मिक हो गया जिसमें हीट देनी पड़े। और रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। व्हेन अमोनियम क्लोराइड को जब हीट दी जाती है पानी में लिक्विड, तो ये क्या बनेगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में वाटर मिला करके अगर हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये अमोनियम क्लोराइड दे देगा। ऐसे ही नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे यानी हीट देंगे तो NO बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आइदर एंडोथर्मिक प्रोसेस, द मेल्टिंग ऑफ आइस इज फॉर्म ऑफ वाटर, ये भी इंडोथर्मिक है, हीट लेगी तो आइस पिघलेगी। एवोपरेशन ऑफ लिक्विड वाटर या सबलिमेशन ऑफ सॉलिड CO2, CO2 सॉलिड, CO2 है, हीट ली गैस में बदल गई। द बेकिंग ऑफ ब्रेड, खाना बनाना, ये सब कुछ इंडोथर्मिक है। डाइजेशन भी इंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन refers in the loss of electrons or increase in oxidation state by the molecule, atom or ion. Reduction refers to the gain of electrons or decrease in oxidation state by a molecule, atom or ion. Redox reactions. A reactions oxidation or redox reaction is type of chemical reaction in which reduction and oxidation occur at the same time. Oxidation में क्या होता है, oxygen add होती है, जैसे example Cu plus O2 gives CuO. Reduction में क्या हुआ, hydrogen add होती है, CuO, copper oxide plus hydrogen gives copper, अलग हो गया, water बना। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो वो रिडॉक्स होता है। जैसे एग्जांपल, सारे के सारे रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, कोई सा भी रिएक्शन लिख दीजिए, जैसे ZnO प्लस C, ZnO प्लस CO बन गया, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, तो ये सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट, तो आंसर है
क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट एंड हिसिंग साउंड. नंबर टू, ऑन व्हाट बेसिस द केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड. आंसर है अ केमिकल रिएक्शंस इज बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. थ्री, व्हाट चेंज इन द कलर इज ऑब्जर्व व्हेन द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सन. स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज. आंसर, सिल्वर क्लोराइड बिकम्स ग्रे. इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन. आंसर, KCl plus AgNO3 gives AgCl plus KNO3. It is a double displacement reaction. It is also precipitation reaction and AgCl is a white precipitate. Question number 5. Translate the following statement into chemical equation and then balance it. Barium chloride reactant and aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate. Of barium sulfate, state two type of which, in which the this reaction can be classified. Answer है 3BaCl2 plus Al2SO4 gives 3BSO4 plus 2AlCl3. It can be classified as the double displacement as well as the precipitation reaction. Question 6. Why decomposition reactions are called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. Answer. In decomposition reaction, a compound is broken down into simpler compound or element. For example, CuCO3 gives CuO plus CO2. Combination reaction is a reaction in which two or more elements or compound combine to form a new compound. For example, N2 plus S2 gives to 2NS3. Thus, decomposition and combination reactions are opposite to each other. Write the redox reactions. Identify the substance oxidized and the substance reduced in the following reactions. 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2. Second, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Answer. These reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction. Number 1. PbO is getting reduced and carbon is getting oxidized. Second, MnO2 is getting reduced and HCl is getting oxidized. Question number 8. Using a suitable chemical equation, justify that the some chemical reactions are determined by the change in color, change in temperature. Answer. Lead nitrate plus potassium iodide gives lead iodide plus potassium nitrate. Lead nitrate colorless होता है और lead iodide yellow होता है, yellow precipitate. Calcium oxide plus H2O gives calcium hydroxide plus heat. Write balance equations for the following. Mention the type of reaction involved. Number 1. Aluminium plus bromine gives aluminium bromide. Calcium carbonate gives calcium oxide plus carbon dioxide. Silver chloride gives silver plus chlorine. Answer. 2Al plus 3Br2 gives 2AlBr3, aluminium bromide. CaCO3 gives CaO plus CO2. ये एंडोथर्मिक में आएगा. 2AgCl
सॉलिड है गेट्स Ag प्लस Cl2 हीट करने पर। नंबर 10, व्हाई इज प्रेसिपिटेट रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बी डिफाइन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सी आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CuO प्लस Zn गिव्स Cu प्लस ZnO। आंसर ए, एक आंसर है इट इज बिकॉज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बी का आंसर है ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड H2 इज रिमूव्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। रिडक्शन इज प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। सी का आंसर है Zn प्लस जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड CuO इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन हो गया। इसमें से जो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको बता दिए गए हैं।